हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आप किस तरह से राजस्थान में बेरोजगार भत्ता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे मोबाइल फोन से। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप देंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। आपको सबसे पहले बता दें कि राजस्थान में लड़कों को 3,000 रूपए बेरोजगार भत्ता मिलता है और लड़कियों को 3,500 रूपए बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लड़के और लड़की दोनों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3,00,000 रूपए से कम होनी चाहिए, तभी बेरोजगार भत्ता के लिए पात्र माने जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बेरोजगार भत्ता के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको सरकार द्वारा सरल बना दिया गया है, जिससे जो बेरोजगार युवा है उनको किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, वो अपने घर बैठे मोबाइल फोन से बेरोजगार भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बेरोजगार भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने SSO पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों SSO पोर्टल के होम पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी दर्ज कर देनी है और यहाँ पे आपको नीचे अपना पासवर्ड दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड दर्ज करके आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत से विकल्प मिल जाएंगे। इनमें से आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें से आपको यहाँ पे जॉब सीकर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस नए पेज में राजस्थान बेरोजगार भत्ता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी को सही से भर देना है, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी जन्म दिनांक, आपका जेंडर, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्टेट का नाम, आपके एरिया, आपका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर और जो अन्य जानकारी है वो आपको इस फॉर्म में सही से भर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपको आई एग्री कर देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आप कभी भी अपने आवेदन फॉर्म का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और आप इस तरह से राजस्थान में घर बैठे मोबाइल फोन से बेरोजगार भत्ता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बेरोजगार भत्ता का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके मन में राजस्थान बेरोजगार भत्ता से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।